नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं और आज हम जो आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके आए हैं वो जैसे कि आप देख सकते हो पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें हम बताएंगे ये पेपर कप जो है जिसमें हम चाय कॉफ़ी या हम जूस पीते हैं वो कैसे तैयार होता है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, क्या इसमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है और क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो बने रहें वीडियो के साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, ये जो आप पेपर कप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये पेपर कप बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। एक होता है जो ब्लैंक पेपर कप का ब्लैंक, जो यहाँ पे हम मशीन में रखते हैं ऑटोमेटिक मशीन में, ये होता है पेपर कप का ब्लैंक हमारे पास। और इसमें नीचे हमारा बॉटम इंसर्ट होता है, बॉटम इंसर्ट होने के बाद ऐसे का कप हमारा तैयार होता है। और ये हमने ब्लैंक जितने भी है वो मशीन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख देने हैं इकट्ठे, जितने भी हमारे आते हैं हाइट तक, और इसने ऑटोमेटिकली एक एक करके आगे ले जाकर फुली ऑटोमेटिक मशीन में यहाँ से आपका फोल्ड होता है ब्लैंक सारा। इसका आगे वर्किंग वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा, आप आगे देखेंगे वीडियो में कैसे इसमें मैनुफैक्चरिंग तैयार होता है। यहाँ पर आके ब्लैंक ने फोल्ड होना है, ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा, नीचे से आएगा ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपका सील होता है, सील होने के बाद ये हमारा पूरा केम सिस्टम है, केम आपका ओपन केम मशीन, ओपन केम में मशीन है सारा ये, जिसमें आपका नीचे यहाँ से ऊपर इंसर्ट होके कप, वहाँ पे नीचे बॉटम लगता है। आप उस साइड देख सकते हो ये हमारा बॉटम का रोल लगा हुआ है, ये हमारी 65 ml की मशीन है जिसमें हमारा 65 mm का बॉटम लगा हुआ है सारा। ये सारा बॉटम यहाँ से इंसर्ट होके ऑटोमेटिकली इसमें डाई कटिंग मशीन होता है, जो राउंड शेप में इसमें जो बॉटम है वो सारा कट करके इसमें इंसर्ट कर देती है हमारे बॉटम ब्लैंक के अंदर। ये सारा हमारा जैसे है यहाँ पे आपका बॉटम इंसर्ट होके इस ब्लैंक के अंदर ये सारी हमारी ट्रे पे आगे मशीन चले जाती है, जिसमें यहाँ से नीचे सीलिंग होती है, सीलिंग होने के बाद ऊपर वाला नर्लिंग होता है, आगे सारा नर्लिंग की डाई है, ये सीलिंग की डाई है, तो सारा घूम के कप फिर इधर से आपका ट्रे के ऊपर इंसर्ट हो जाता है और यहाँ से हम अपना फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म कैसे कप तैयार होता है, कैसे इसका आपका देख से कहाँ पे हीटिंग होता है, ये सारे हीटर लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, इसमें भी सारे ऊपर नीचे ये जितने डाइस में सारे हीटर लगे होते हैं, सारे आपका गर्म होके नीचे से पूरा अच्छे से सीलिंग करके तो फिर ये सारा आपको कप को तैयार करती है। मतलब पूरी हैवी ड्यूटी मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब कोई भी इसमें ये नहीं कि आपका पार्ट जो है मतलब लोकल नहीं है, कुछ ऐसे का लगा हो जो नहीं चलेगा, सारा जितना भी इसमें भी पैनल है सारा सीमेंस का लगा रहेगा, जितनी आपका डाइस है ये भी सारी अच्छे से टैम्पर की होती है, जिसमें आम नॉर्मल डाइस से काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ होती है। और ये सारा आपका ब्लैंक का जितना भी डाई कटिंग है इसकी भी आम नॉर्मल डाई से हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। तो ये था सारा हमारा मैकेनिज्म कैसे कप तैयार होता है, कैसे इसमें आपका जो अलग अलग साइजेस के कप आपके रेडी हो जाते हैं। ये जैसे हमारे पास मानो 65 mm का बॉटम है, इसमें हमने अलग अलग साइजेस के कप तैयार करने हैं। इसमें हमारे बनते हैं आपका 150 ml से लेके 300 ml तक, ये जो मशीन है इसमें 150 से 300 ml तक के आप अलग अलग साइजेस के कप बना सकते हो, वो भी सिर्फ डाइस चेंज करके, बट आपका जो बॉटम का साइज़ है वो सेम रहेगा, जो नीचे वाला बॉटम है 65 mm का बॉटम है वो सेम रहेगा। इसमें मेरे पास जैसे ये कप है, इसका भी इसका दोनों का बॉटम सेम है, बट इसकी आप हाइट देख सकते हो दोनों का फ़र्क है, तो ये हाइट आप अलग अलग बना सकते हो इसमें। और ये हमारे पास एक बड़ा कप पड़े हुए हैं जिसमें हम जूस वगैरह पीते हैं, इसमें बॉटम के साइज़ का फ़र्क है, और ये बॉटम के लिए आपको अलग बॉटम की, ये 75 का बॉटम है, इसके लिए आपको अलग बॉटम का मशीन लेना पड़ेगा जिसमें आपके ये बड़े कप बन जाएंगे। बाकी इसमें भी आप बड़े बना सकते हो 300 ml तक, बट उसमें ये होगा कि आपको बॉटम का जो है एक ही तरह का जो आपने बॉटम लिया हुआ है 65 mm का, उसी हिसाब से सारे अलग अलग ब्लैंक आपके बड़े छोटे लगेंगे, मतलब बॉटम सेम रहेगा। ये आउटर ब्लैंक होता है, इसको हम हाइट में ऊपर नीचे कम कर लेते हैं, जैसे ये फोल्ड होके इसका हाइट जैसे ज़्यादा है, मानो सेम का हम बॉटम ले लेते हैं, दोनों का ब्लैंक का साइज़ हम बड़ा छोटा ले लेते हैं, उसमें ml का फ़र्क आ जाता है। तो ये मेन कंसेप्ट होता है कि हम एक मशीन के अंदर, कई कहते हैं कि नहीं बनते एक ही साइज़ का होता है, तो ये हमारी जो मशीन है इसमें सेम बॉटम के अंदर आप अलग अलग डाइस चेंज करके
जो साइज का बनाना हो बना सकते हो। फुली ऑटोमेटिक मशीन है सभी हीटर्स के लिए, अलग अलग हमारे पास अभी इसमें आपके जितने सेंसर्स लगे हुए हैं, जितने इसमें प्री हीटिंग के सारे टेम्परेचर कंट्रोल लगे हुए हैं, मतलब कोई इसमें ऐसा क्या नहीं है कि मतलब आपका कोई हीटर ज़्यादा ओवर हीट हो गया है, कोई आपका कम हीट हुआ है, मतलब ऑटो कट सभी में लगे हुए हैं। खुद ब खुद वो हीट होता है, खुद ब खुद प्री हीट होता है, खुद ब खुद ऑटो कट बंद भी हो जाता है। मतलब फुली ऑटोमेटिक, फुली मतलब ऑटोमेशन के साथ मशीन चलता है, और कोई भी इसमें ये नहीं कि ये चीज़ ख़राब हो गया, वो चीज़ ख़राब हो गया, ऐसे का कोई काम नहीं है। तो ये था हमारा फुली ऑटोमेटिक पेपर कप मेकिंग मशीन, जिसमें हमने आपको दिखाया 65 mm का बॉटम का मशीन है, जिसमें हम आपका 150 और आपका 100 ml से लेके 300 ml तक के अलग अलग साइज़ के कप तैयार कर सकते हैं। तो इसका अब मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे इसका वर्किंग होता है और कैसे आप इसका देख सकते हो, तो वीडियो आप देख लो। सभी सैंपल पड़े हैं, ये छोटे साइज का टी कप है, ये आपका मतलब 65 का नहीं, ये 45 के बॉटम में बना हुआ है, मतलब ये भी आपका उसी बॉटम में थोड़ा हाइट ज़्यादा है, और ये सारे बड़े साइज के कप हैं, ये बड़े साइज का कप जो भी आप इसी में बने हुए हैं, ये वाले 65 mm के, मतलब इसमें आपका अलग अलग ml के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन की रेशो होती है। बट जो हम इसमें होलसेल का जो मार्जिन लेके चले, इस कप का मान के हम चलते हैं,
तो इसका हमारा जो कम से कम भी है पर आपका कप के पीछे 10 पैसे के आसपास होलसेल का मार्जिन होता है, जो रिटेल में हमें 20 से 25 पैसे तक भी चला जाता है। और इसका मशीन का पर मिनट का जो प्रोडक्शन है 100 पीसीस पर मिनट का प्रोडक्शन होता है। इसको आप सिंगल फेज पे भी चला सकते हो, 3 फेज पे भी चला सकते हो, जैसे का आपका ऑप्शन है वैसे का चला सकते हो। इसको आपको 4 किलोवाट का लोड चाहिए, आप घर में चलाना चाहते हो घर में चलाओ, इंडस्ट्रियल लोड चाहिए तो इंडस्ट्रियल भी चला सकते हो। तो आपका पर मिनट में 100 पीसीस आपका निकालेगा और आपका एक घंटे में तकरीबन 3,000 से 3,500 के आसपास इसका प्रोडक्शन रहता है। तो अगर आप पर मिनट का इसका 10 पैसे का भी प्रॉफिट लेते हो तो 10 रुपये का आपका प्रॉफिट पर मिनट का ये दे रहा है। तो 10 रुपये का आप अगर 3,000 रुपये लगाते हो तो आपका 3,000 रुपये आपका पर डे एक घंटे का ये कमा के दे रहा है। तो बहुत ही ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसको आप घर पे लगा के आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हो। मतलब इतना सा मशीन है, 10x20 के कमरे में या 10x10 के कमरे में आप इस मशीन को लगा के आसानी से पैसा कमा सकते हो। और अलग अलग साइजेस के जो भी आप मार्केट से डिमांड करता है कि हमें ऐसे का प्रिंटिंग चाहिए, ऐसे का डिज़ाइन चाहिए, वो आपका ब्लैंक ही वैसे का प्रिंट होकर मार्केट से आ जाएगा। तो इसमें कोई आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई वैसे का काम नहीं है, आप आसानी से इसको शुरू करके अपना फुली ऑटोमेशन से इसको स्टार्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हो। तो इतना था आज की हमारी इस वीडियो में, और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप करके भी इस मशीन के बारे में ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। अगर आपने मशीन परचेज करनी हो तो आप इसको 30% एडवांस दे के बुक कर सकते हो और आपको हम विद इन 15 से 20 डेज मशीन रेडी करके आपको डिस्पैच करवा देंगे। तो ये था सारा आज की हमारा पेपर कप मेकिंग मशीन के बारे में। अगर आपने इससे रिलेटेड और मशीनें भी देखनी हो, जैसे पेपर प्लेट का हो गया, टिश्यू पेपर का हो गया, आपका एलुमिनियम फॉइल वाइंडिंग का हो गया, वो भी हमारे पास सारी बनती है। ये आप देख सकते हो, ये पेपर प्लेट की मशीन है, डबल डाई में, डबल होल में, फुली ऑटोमेटिक, पीछे रोल लगेगा खुद ब खुद, ये डाई पंच करके आपका डोना निकाल के डोना प्लेट थाली बफर प्लेट वो भी बना देती है, वो बना के आपके आपका फेंकती जाएगी। आपने कोई इसमें हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, पीछे रोल लगेगा बन के आगे गिरता जाएगा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये भी आपने लेनी हो तो इसकी डिटेल भी आप हमें व्हाट्सएप पे करके मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पीछे देख सकते हैं एलुमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग की मशीन है, इसमें आप बटर पेपर बना सकते हो, एलुमिनियम फॉइल बना सकते हो, आपके सिल्वर फॉइल बना सकते हो, मतलब 3-4 तरह की आइटम इसमें आप तैयार कर सकते हो, वो भी एक ही मशीन के अंदर, मात्र 3x3 फुट की मशीन के अंदर। ये भी आप घर से शुरू कर सकते हो, बहुत ही आसान काम है। उसके बाद मेरे बगल मेरे पड़ी है आपकी टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन, ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, पीछे रोल लगेगा, टिश्यू प्रिंट करना है प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद यहाँ से तैयार होकर टिश्यू बाहर निकलेगा, फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस है इसका भी। ये भी आप लगा के मतलब आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हो। अभी ये मैंने जितनी आइटम दिखाई है सारी डिमांडेबल प्रोडक्ट है, ये रेडी टू सेल है, आपने बना ली और उसी वक्त इसकी डिमांड रहती है। ये वैसे के प्रोडक्ट नहीं है कि आपने बना के रखा है और आगे आपका सेल नहीं हो रहा। जितना डिस्पोजल का आइटम आप उनमें से कोई एक भी लगाते हो तो सभी आइटम आप उसी के पास ही सेल कर सकते हो, ये नहीं कि आपको अलग से और डिस्ट्रीब्यूटर और कोई दुकानदार और कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा इन सभी के प्रोडक्ट अलग अलग बेचने के लिए। एक के पास आप गए उसी के पास ये सारे प्रोडक्ट भी बिक जाएंगे। ये पर्टिकुलर पूरा डिस्पोजल का प्लांट है जो हम यहाँ पर मैनुफैक्चर करके सेल करते हैं। तो आपको किसी भी तरह के डिस्पोजल के प्रोडक्ट की हमारे पास, जैसे एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर होते हैं उसकी भी मशीनें होती हैं, पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है सिल्वर फॉइल उसको बनाने की भी मशीन होती है, मतलब किसी भी तरह का आपको मशीन चाहिए हो डिस्पोजल के रिलेटेड, आपका नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, वो भी सभी हम मशीन यहाँ पे इन हाउस बनाते हैं। तो इतने था आज की हमारी इस वीडियो में, और जानकारी के लिए और तरह की बिजनेस आइडिया या और तरह की मशीनों की जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे प्लांट पे जब मर्जी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि जिसको ज़रूरत है इस काम की वो शुरू